ये विश्व में दो ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक पुष्कर में और एक दीर्घा में। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जब सरस्वती जी से विवाह ब्रह्मा जी ने कर लिया सृष्टि के रचना क्रम में, तो उन्हें देवताओं ने श्राप दिया कि अगर कोई पिता अपने पुत्र से विवाह करेगा तो उससे निंदित कोई नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होगी। यहाँ इसका बहुत इतिहास पुराना है, रामायण काल से यह स्थल जुड़ा हुआ है। यह जो सागर तालाब जो है, यह एक राक्षस ने एक रात में इतना इस तालाब को खोना था, तो इसीलिए इसका दीर्घा का अर्थ होता है दीर्घ नागा नद्या इति दीर्घा, जहाँ अधिक तालाब कुआं हो उस स्थान को हम दीर्घा कहते हैं। लेकिन बालक में जी यहाँ तपस्या के लिए बने सीता बारे से लौकुश के लेके यहाँ रह ली जौन भगवान असमेत जो कोई नहीं हुए होन कुंड बा। नमस्कार प्रणाम, हम ईसा रोलिंग के स्वागत कर रहे बनी झलको बिहार में। आज रोलिंग के लेके आयल बनी गोविंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 11 वार्ड नंबर मूड़ा पंचायत में। यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन काल के मंदिर बा, और ऐसा लिखल बाटे और ऐसा पुराण में भी बाटे कि भगवान ब्रह्मा के मूर्ति जे बाटे स्थापित मात्र पूरा संसार में दो ही जगह बा, एक की बाकी पुष्कर में जे की राजस्थान में बा और एक अपना बिहार में जेकर नाम बा दीघा मठ। यहाँ के जो पुजारी बानी प्रधान बानी उनका से मंदिर के रहस्य के बारे में जानल जाओ। यहाँ सागर भी बहुत ज्यादा बा और एक रहस्य भी बहुत गहरा बाटे, तो ई पंडित जी से के माध्यम से हमें जानल जाए कि हाँ एक आखिर रहस्य का बाटे। विश्व में दो ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक पुष्कर में और एक दीर्घा में। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जब सरस्वती जी से विवाह ब्रह्मा जी ने कर लिया सृष्टि के रचना क्रम में, तो उन्हें देवताओं ने श्राप दिया कि अगर कोई पिता अपने पुत्र से विवाह करेगा तो उससे निंदित कोई नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक भगवान विष्णु का तपस्या किया, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने हाथ पर पुष्प रखकर इसको फेंक रहा हूँ, यह पुष्प जहाँ गिरेगा वहाँ तुम्हारी मूर्ति होगी। तो वह पुष्प दो जगह गिरा, एक पुष्कर में तो वह ब्रह्मा जी की मूर्ति है और एक दीर्घा में गिरा। यहाँ का शुद्ध नाम है दीर्घा, अभ्रंश हो गया है दीघा, दीर्घा कहते कहते यहाँ दीघा हो गया है, लेकिन इसका शुद्ध नाम है दीर्घा। और एक पुष्प दीर्घा में गिरा, तो यहाँ एक दीर्घा, यहाँ एक ब्रह्मा जी की मूर्ति है। विश्व में दो ही जगह ब्रह्मा जी की मूर्ति हुई है, और यहाँ वाल्मीकि आश्रम है। यहाँ इसका बहुत इतिहास पुराना है, रामायण काल से यह स्थल जुड़ा हुआ है। अभी मनरेगा पीओ की दृष्टि इस पर है और अहरनिश इसका विकास हो रहा है। मनरेगा पीओ श्री अजय सहाय जी का अनवरत प्रयास से आज यह जो रामायण काल सर्किट का यह स्थान था। पंडित जी ये सब जो जोन सागर बाटे, ये जोन तालाब कुआं के बारे में पंडित जी बताएनी, तो एक और का रहस्य बाटे? यह जो सागर और तालाब जो है, यह एक राक्षस ने एक रात में इतना इस तालाब को खोना था, तो इसीलिए इसका दीर्घा का अर्थ होता है दीर्घ नागा नद्या इति दीर्घा, जहाँ अधिक तालाब कुआं हो उस स्थान को हम दीर्घा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा के बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर बाटे और एकर बहुत ही ज़्यादा रहस्य बा। ऐसा भी कहा जाला कि ये वाल्मीकि के आश्रम रहल बाटे और एकर रहस्य भगवान राम के काल से जुड़ल बा। यहाँ पे सीता माता अपना दोनों बेटा लव और कुश के साथ रहत रही, और यहाँ पे लव और कुश के जन्म भी भइल बाटे और उनकर अच्छा से भरण पोषण और अच्छा संस्कार भी वाल्मीकि के द्वारा मिलल बाटे। अब आई यहाँ के जो पुजारी जी बानी इनकरा से यहाँ के रहस्य के बारे में जानल जाओ। लेकिन बालक में जी यहाँ तपस्या के लिए बने सीता बारे से लौकुश के लेके यहाँ रह ली जौन भगवान असमेत जो कोई नहीं हुए होन कुंड बा। यहाँ विषय सरकार अब ध्यान दे करके अपने बना रहल बा। यहाँ 52 गंदा इनार, 52 गंदा पोखरा, 204 गो पोखरा, 204 इनार, एक रहस्य है बा। सरकार अब ध्यान देता, अब आगे चल के का कहला सीता माता के बात भर लगे लौकुश सीता के मूर्ति बैठावे के फिर ब्रह्मा के मूर्ति ले आगे बैठावे। ब्रह्मा जी यहाँ से चोरी हो गए बड़े आज 10 वर्ष पहले चोर उठा के ले गए जौन बहुत बिस्कीमती कई करोड़ के मूर्ति रहे उस चोर ले गए उठा के। ये कहानी तो वो लेकिन देख सकतनी कि पंडित जी इतना अच्छा रहस्य एक बारे में बतैनी कि हाँ यहाँ पहले सोना के ब्रह्मा जी के मूर्ति रहे जे कि
वो चोरी हो गल बा। लेकिन एक और असली के रहस्य इहे बा कि यहाँ पे वाल्मीकि के आश्रम रहे और यहाँ पे ही लव कुश के जन्म भइल, उनकर मुंडन भइल। और ये भी रहस्य बा, एकर नाम गांव के नाम मूड़ा ए से पड़ल, काहे कि लव और कुश के मुंडन इहे पे भइल जैसे ये गाँव के नाम मूड़ा पड़ल। अब ये रहस्य के देखला के बाद रुआ लोगन के पता चलत हो कि अपना चंपारण में भी कितना भारी भारी रहस्य बाटे और कितना अच्छा अच्छा प्राचीन काल के मंदिर बा। आई अब हम रउआ लोगन के यहाँ के पोखरा के दृश्य देखा रहल बानी, जे कि पंडित जी के द्वारा बतावल गइल बाटे कि कोनो राक्षस के द्वारा 108 गो पोखरा और तालाब खुनवावल गई रहे। एकर पानी के भी शुद्धिकरण रुआ देख सकतानी, काहेकि यहाँ वाल्मीकि के आश्रम रहे और ऐसा मान्यता गइल बाटे कि वाल्मीकि के हमेशा स्नान ध्यान यही में होत रहे। मतलब ऐसे रउआ लोगन सोच सकतानी कि वैसन महान आत्मा जेकरा के हम परमात्मा से जोड़ सकतानी, ओकर स्नान ध्यान अगर एमे होता तो ये पानी कितना ज़्यादा शुद्ध हो। एकर पानी के दृश्य देख के रुआ लोगन के पता चलत हुई कि ये दीघा मठ बहुत ज़्यादा पवित्र बा, बहुत ज़्यादा स्थानीय बा, एकर महत्वपूर्णता बहुत ही ज़्यादा बा। ऐसा और भी अच्छा से अच्छा रहस्यमय कहानी देखेला रुआ लोगन सब्सक्राइब करी झलको बिहार, ताकि एक सबसे पहला अपडेट रुआ लोगन के पास पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में जाके हमनी के वीडियो के बारे में ज़रूर बताई कि वीडियो हमनी के कैसन रहल और के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करी, काहे कि इस चंपारण के इतना बड़ा रहस्य बाटे जेकरा बारे में सब कोई के जानल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बाटे। धन्यवाद।